नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, TV20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नवीन सब्जी मंडी बुढ़नपुर में चोरों का आतंक छाया हुआ है। बुढ़नपुर सब्जी मंडी में चोरी की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर बुढ़नपुर सब्जी मंडी में सब्जी व्यवसायियों में आक्रोश दिखाई दिया। आए दिन चोरी की घटना को लेकर व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 25 अक्टूबर की रात कुछ अज्ञात चोरों ने बुढ़नपुर सब्जी मंडी में भारी मात्रा में प्याज और लहसुन चुरा ले गए, जिसके संबंध में सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी इंस्पेक्टर शिवमंगल यादव से शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंस्पेक्टर द्वारा कोई एक्शन ना लेने पर चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और फिर चोरों ने पुनः 12 नवंबर की रात बुढ़नपुर सब्जी मंडी में लूट मचाई, जिसमें चोरों ने लगभग 4 लाख की सब्जी सहित नगद पैसा और सामान चुरा ले गए, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं ने 112 नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और कोरम पूरा करके चली गई। इस संबंध में सब्जी मंडी इंस्पेक्टर शिवमंगल यादव ने बताया कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। यदि इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर चंद्रभान सोनकर, पप्पू सोनकर, हरिकेश वर्मा, बीरू सोनकर, कमलेश आनंद सोनकर, माली राजा सहित अनेक सब्जी विक्रेताओं ने आवाज बुलंद की। अब देखना दिलचस्प होगा कि चोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन क्या इंतजाम करती है। कंपनी का नाम जय माँ दुर्गा फूड कंपनी। क्या समस्या हो रही है आप लोग जो है आज इकट्ठा हुए मंडी में? सर हम लोगों को चोरी हो रही है, चोरी रुक ना रही मंडी से। कितनी बार चोरी? दसनों बार चोरी हो चुकी है सर। शिकायत सर गार्ड से कहा जाता है, कहते हैं व्यवस्था हो जाएगा व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था हो नहीं रहा है सर। गार्ड नहीं है, मंडी सचिव है और मंडी अध्यक्ष हैं, कोई फर्क नहीं है उनको। अपना दुकान देख रहे हैं सर, कोई उनको फर्क नहीं है, उनको सर कोई फर्क नहीं है। बराबर जो है अपना दुकान देख रहे हैं, दुकान से केवल मतलब रख रहे हैं। एक लाख सर, दसनों बार चोरी हुई है सर, बार बार शिकायत करते हैं सर हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं सर, प्रशासन से व्यवस्था मांगा जा रहा है सर। देखिए सर, सबसे बड़ी मुख्य वजह है इस मंडी परिसर में एक भी लाइट नहीं जलती है। मुख्य वजह है कि लाइट ना जलना, अंधेरा पाते हैं तो चोरी होती है। इसमें लाइट लगवाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन ये लोग लाख दो लाख रुपए घूस मांग रहे हैं, कह रहे हैं अलग से ट्रांसफार्मर बैठाना पड़ेगा। ये तो विभाग की जिम्मेदारी है, ट्रांसफार्मर बैठाए, हम लोग कनेक्शन दे और जितनी बिल आए बिल हम लोग भरने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये लाइट लग जाती तो ये चोरी, लाइट लग जाती सर तो हम लोग कांटा वांटा सब यही चार्ज करते, चोरी भी मिल जाती चार्ज होता। विभाग हम लोगों से 1 से 2 लाख मांगता है लाइट कनेक्शन देने का। बताइए कनेक्शन का पैसा मात्र 1-1.5 से 2 हजार लगता है, लाखों मांगेगा तो कैसे हम लोग कनेक्शन ले पाएंगे और कैसे लाइट आएगी? लाइट अगर लग जाए तो सारी व्यवस्था लगभग खत्म हो जाएगी ये चोरी की। चोरी करने वाले जो उजाला जब रहेगा तो चोरी नहीं करेंगे। यही मेला के दिन चोरी हो गई थी हमारी। कितना लगभग कितना मोटी मोटा चोरी हुआ? मोटी मोटा 15-20 किलो लगभग। क्या सामान गया है? प्याज गई थी 15 किलो मान के चलिए मुश्किल से। किए थे आपको? नहीं, तब नहीं कोई किया था, हम क्या करेंगे फिर। ये पहली बार घटना है कि इसके पहले हुई? इसके पहले हुआ, मेला के दिन, बुढ़नपुर वाले मेला के दिन पहली बार। हाँ, इसकी शिकायत आप कहीं किए? शिकायत नहीं की। क्या चाह रहे हैं? क्या चाहेंगे आप? अरे आप बताइए, लगा दे और क्या, सीसी कैमरा लग जाएगी दुकान पर तो नहीं चोरी हो पाएगी। किसकी कमी है? लाइट नहीं लग रही, कैमरा नहीं लग रहा है, किसी और की कमी है।
हनल और कमी है ठीक है ठीक है आप अपने इंस्पेक्टर से बताए आपका मालिक कौन है मालिक उधर है सचिव आज वही बता रहे थे अब आएंगे नहीं आएंगे।